मेरे प्यारे साथियों, आरओ एआरओ एग्जाम के कंडक्ट होने में अभी भी कम से कम 3 से 4 महीना आपके पास में है। तो अभी भी अगर आपने इस एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुक उठाकर तक नहीं देखी है, किसी वजह से जॉब कर रहे हो या हाउसवाइफ हो, तो आज की डेट में भी अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो केवल 2.5 महीने में, अगर आप डेली 4 घंटे का समय देते हो तो 2.5 महीने में आपके सेलेक्शन यानी कि प्री निकलने की पूरी तैयारी मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, एक बार आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, भले उसमें कम नंबर हो, केवल क्वालिफाई हो, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स मेंस में नहीं पूछे जाते हैं, जोड़े नहीं जाते हैं। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस में कितने नंबर आप ला रहे हो उसके बेसिस पर होता है। किस्मत किसी ने नहीं देखी है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी, 2-2 साल पढ़ने के बावजूद भी किसी का पेपर नहीं निकलता है, और कुछ लोग 2 से 2.5 से 3 महीने ही पढ़ते हैं, उनका भी एग्ज़ाम निकल जाता है। इस वजह से कह रहा हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने महीनों से पढ़ रहे हो, मैटर ये कर रहा है कि आपने अगर सही कंटेंट पढ़ लिया तो किस्मत क्या माने, आपके किस्मत में ये जॉब लिखा हो 2.5 से 3 महीने में आप इस पूरे एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम को कैसे निकाल सकते हो, विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये चीज़ सही लगे तो हमारे मेरे गाइडेंस में तैयारी शुरू कर देना, अगर आपको अच्छी ना लगे तो उसको छोड़ देना। लेकिन चीज ऐसी बताऊंगा कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा, आप खुद कहोगे कि हाँ सर, वाकई इस तरीके से सिलेक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, इस चीज पर आप विश्वास कैसे करोगे, इसका प्रूफ क्या है कि जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो मैथड काम कर जाएगा? देखिए, उसका प्रूफ सबसे बड़ा ये है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाओगे, हर एक चीज़ का प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो चैनल पर जाते ही आप देखोगे सबसे ऊपर एक वीडियो पड़ा है कि 97 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे टारगेट स्टडी IQ चैनल से आरओ यारो के एग्जाम में। इस बार का जो आरओ का एग्जाम आया था वो आरओ के इतिहास का सबसे कठिन पेपर था, और ऐसे कठिन पेपर में भी अगर 97 क्वेश्चन 140 में से हमने फंसा कर दिखाए हैं, और उसका विद प्रूफ वीडियो भी बनाकर आपको दिखाया है। ये वीडियो 1 घंटे 8 मिनट का वीडियो है, और इस पर देख सकते हो 1,60,000 व्यूज़ है, और इतने व्यूज़ तभी आते हैं जब वो चीज़ बिल्कुल फेयर होती है। इस वीडियो को जब आप चेक करोगे तो उसमें एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दे रखा है कि हमने क्या चीज़ पढ़ाई थी और एग्ज़ाम में क्या चीज़ पूछी गई है। तो वहाँ से कोई छोटा सा बच्चा भी होगा ना, उसको भी पता चल जाएगा कि सर की जो प्रूफ है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट्स जाकर पढ़ लेना, जिन लोगों ने हमारा बैच ले रखा था उन सबके कमेंट्स हैं, और वो कितने खुश हैं, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख लेना, तब मेरी बातों पर विश्वास रखना। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से समझ दो, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला तरीका ये है कि आपके पास में 4 महीने का समय है, 2 से 2.5 महीने में पूरी तैयारी, और फिर बचे हुए समय में प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी मेरे बताए हुए मेथड से नहीं करोगे तो किताबों से मान लो पढ़ना शुरू करोगे, तो मैं आपको सारे सब्जेक्टों की किताबें ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिछले 5 साल के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर मैं आपको बता चुका हूँ कि एक एक सब्जेक्ट में, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड किताबें हैं NCERT की हो गई या फिर जो भी स्टैंडर्ड किताबें, पेपर इन्हीं से ही बनता है, इससे बाहर थोड़ी ना चला जाएगा। तो ये सारी किताबें मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप अपनी तरफ से इन किताबों को पढ़ने की कोशिश करोगे तो सीधी सी बात आप खुद जानते हो, एक एक बुक पढ़ने में आपको महीनों लग जाएंगे, और उस बुक को पढ़ने के बाद में उससे क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा इस चीज़ को समझने में भी महीनों लग जाएंगे। उस हिसाब से आपको चाहिए कम से कम 1.5 साल का समय, लेकिन आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना एक शानदार कोर्स तैयार किया है। उस कोर्स की खासियत क्या है कि जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री 3 पार्ट्स में है, मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल। अब तीनों हिस्ट्री के जो पार्ट है उसके लिए कोई एक किताब नहीं है, उस तीनों पार्ट को पढ़ने के लिए कम से कम 6 किताबें, और 6 के 6 किताबों का नाम मैं बता चुका हूँ, क्योंकि एग्जामिनर उन 6 किताबों से क्वेश्चंस बनाता है। तो 6 स्टैंडर्ड किताबों से एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी बुक में अच्छी दे रखी हैं, कुछ चीज़ें किसी दूसरी बुक में अच्छी दे रखी, कोई टॉपिक इस बुक में अच्छा दे रखा है, तो हमने चूंकि 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो जिस बुक में जो टॉपिक अच्छा दे रखा है स्टैंडर्ड बुक में, जैसे
जैसे एनसीईआरटी की बुक हो गई, वहां से वो चीज निकाल कर एक कंसाइज फॉर्म में एक कंटेंट बना रखा है, और ऐसा हमने सारे सब्जेक्टों में कर दिया। मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचा है जिसमें हमने ऐसा ना किया हो। सारे सब्जेक्ट हमारे 6-6 किताबों से बने हुए। सबसे बड़ी बात है जो कि हमें दूसरों से बिल्कुल अलग करता है कि बाकी और कहीं से आप पढ़ोगे तो वहां पे केवल और केवल आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। इकलौता ऐसा बैच है जिसमें सारी चीजों की, जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया उसके तुरंत नीचे एनसीईआरटी की थ्योरी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस करवा दिए, आरओ के 5 साल के क्वेश्चंस करा दिए, पीसीएस के 5 साल के क्वेश्चन उसी जगह करा दिए। तो जब आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक तो कम समय में टॉपिक खत्म हो गया, साथ ही साथ में उस टॉपिक की पूरी प्रैक्टिस भी हो गई, तो बहुत कम समय में आप पूरा तैयारी कर लेते हो। अब इन सब चीज़ों को कवर करने में समय कितना लगेगा वो समझो। देखो आपको दिखा देते हैं इन सब चीजों को पढ़ने में समय कितना लगेगा। ये देखो वो सारी किताबें हैं जहां से हमने अपना पूरा ये जो कोर्स है वो बनाया है, ठीक है। इसको आप समझ लो, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है, तैयारी तो आप कर ही लोगे। ये वो सारी किताबें हमने आपको दिखा दी जहां से हमने कोर्स बनाया है। अब आपको एक चीज दिखा देते हैं। ये पहली चीज बता दूं कि इन सब चीजों को पढ़ने में आपको समय कितना लगेगा। हमारा एक सब्जेक्ट फिनिश करने में केवल 25 क्लास में हमारा एक सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है, और क्लासेस का ड्यूरेशन रहता है मात्र 35 मिनट की क्लास। इसका मान सकते हो कि 20 घंटे में, मतलब 15 से 20 घंटे अगर आप लगकर बैठ जाओ तो एक सब्जेक्ट हमारा खत्म कर दोगे पूरी थ्योरी और क्वेश्चन के साथ में। कोई ऐसी कोचिंग नहीं है आप मुझे दिखा दो जो थ्योरी के साथ में क्वेश्चन भी बैच में करवा देता हो। क्वेश्चन करवाते हैं सब लोग लास्ट में, और जब आप केवल थ्योरी पढ़कर जाते हो इसी वजह से पढ़ने के बावजूद, बैच लेने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे हो। हमने आपको देखो सारे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, इसी वजह से ही तो 97 क्वेश्चन फंसा पाए हैं। अगर हमने स्टैंडर्ड बुक से कंटेंट नहीं बनाया होता तो हम क्वेश्चन नहीं फंसा पाते। साथ ही साथ में पूरा जो कंटेंट है वो एनालिसिस ये भी करी गई है कि आरओ का जो 2024 वाला पेपर, 2021 वाला पेपर, पीसीएस का 2021, 22, 23, 24, ये सारे पेपरों का एनालिसिस किया गया, और ये देखा जाता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट से जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें हमने ये चीज़ समझी कि क्या चीज़ें पहले पढ़नी है और ज़्यादा डिटेल में, क्या चीज़ कम पढ़नी है और कम डिटेल में। इस हिसाब से ऐसा नहीं कि पूरा सागर का सागर पढ़ने लग जाओगे। अगर तुम बहुत बड़ा कंटेंट पढ़ने लग जाओगे तो भी आपके लिए बेकार है, तो भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सबसे अच्छा तरीका यही होता है, लिमिटेड कंटेंट में सब कुछ करवाया गया है, 25 से 30 लेक्चर में एक सब्जेक्ट बिल्कुल फिनिश, बहुत छोटा कोर्स है हमारा, और क्वेश्चन फंसने की गारंटी भी उसमें रहती है। एक और चीज बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग से स्लिप कर गई। बुक हो गया, कंटेंट हो गया, लिमिटेड कंटेंट हो गया। हाँ ठीक है, ये लगभग सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब समझो यहां पर आप देख सकते हो जो कट ऑफ, ये तो कट ऑफ सेक्शन हो गया। हाँ ये हमने आपको बता ही चुके हैं। एक और चीज, क्योंकि चीज, हाँ ये चीज बताना भूल गए थे। अब समझो जब भी कोई पेपर बनता, ये देखो 35-35 मिनट के 20 लेक्चर में बायोलॉजी खत्म है, 22 लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म है, ज्योग्राफी 30 लेक्चर में खत्म है, पॉलिटी 29 लेक्चर में खत्म है, तो कितने छोटे छोटे लेक्चर हैं। अगर 4 घंटे का शेड्यूल बना लोगे तो 2.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे, और अगर 6 घंटे एक दिन में पढ़ लोगे तो 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि पिछले 5 वर्षों का पेपर आप उठाकर देख लो, कम से कम 50 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो अगले साल भी पूछा जाएगा। जैसे कि आपको दिखा दूं, वो ये सारे टॉपिक हैं, ये करंट जीके के टॉपिक। सारे सब्जेक्टों में हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं पिछले 5 वर्षों के जहां से क्वेश्चन छपना ही छपना है, और टोटल सब्जेक्टों की बात करें तो 75 ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। मैं कह रहा हूं 75 में से 50 भी जोड़ लो कि 50 क्वेश्चन भी वहां से आ गए, तो 50 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके ये फिक्स हो गए। बाकी अलग से जो चीजें फंसाएंगे वहां से 60-70 क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहेंगे। 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो चीज हम पढ़ाएंगे वहां से मिलेगा। यहां पर देखो करंट जीके में
एशियन गेम्स, नोबेल प्राइज, स्मार्ट सिटी, टाइगर रिजर्व, केंद्रीय बजट, चंद्रयान 3, ये सब वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप खुद से पेपर उठाकर देख लो। इसके बाद में अगर आप ज्योग्राफी की बात करोगे तो ज्योग्राफी की ये सारे टॉपिक, इसको समझो जो बच्चा पढ़ लेगा ना, मतलब अगर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हो और केवल ये सब भी पढ़कर चले जाओगे ना, 50 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। देखो 5 साल का पेपर उठा ले, भारत में कृषि पूछा ही जाता है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, मृदा अपरदन। इस बार भी मृदा अपरदन का एक क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे नोट से आया था। भारत में तिलहन का उत्पादन, दलहन, रेशम की फसल, ठीक है, वाटरफॉल, प्रमुख झीलें, मानसून की वापसी। और देखो मानसून की वापसी और शीत ऋतु में जो सर्दियों के समय में जो बारिश होती है, हमने पहले से बता दिया था क्वेश्चन आएगा, और 2024 में जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ है उसमें वो क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। तो आपको पढ़ना, हम आपको बता चुके हैं कि 75 ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अरे कुछ नहीं, केवल तुम यही टॉपिक पढ़ लोगे तो भी 50 क्वेश्चन एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। तो समझो कि ये मत दिमाग में बिठाओ कि पूरा साल चाहिए होता, केवल तुम अपना 2.5 महीना हमें दे दोगे तो 2.5 महीने में पूरी तैयारी हम आपको करवा देंगे। प्रीलिम्स का बैच जिसको लेना है, प्रीलिम्स के बैच की फीस 4,000 रुपये है, 1,000 रुपये का डिस्काउंट अभी चल रहा है, 3,000 रुपये में प्रीलिम्स का बैच आपको मिल जाएगा। लेना कैसे है समझो, लेने का प्रोसेस ये है कि मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, उसमें व्हाट्सएप पे RO लिखकर भेज दो, हम आपको डिटेल भेज देंगे, या फिर डायरेक्ट हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से बैच परचेज कर लो। कैसे करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उससे ऐप डाउनलोड करो, पेड कोर्स में जाना, ऐप के अंदर पेड कोर्स में लिखा होगा RO का री एग्जाम वाला बैच, 3,000 रुपये का पेमेंट करने को बोलेगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे एक लिंक आएगा आपके व्हाट्सएप पे पेमेंट का, उस पर पेमेंट कर देना, वापस से ऐप में आओगे तो कोर्स आपका चालू हो चुका होगा। मेरी पूरी कोशिश है आपकी किसी न किसी तरीके से मदद करूँ, आपके दिमाग से वो भ्रम निकाल दूं कि पूरा एक साल चाहिए होता है। पूरा एक साल तब आपको चाहिए जब आपके पास में किताबों से पढ़ने का मौका हो। यहाँ पर तो आपको किताबों का सार दिया जा रहा है, केवल 2.5 महीने में अगर आपका एग्जाम निकल रहा है, एक बार प्रीलिम्स आपका निकल जाए तो मेंस की तैयारी के लिए आपको जो बाद में समय मिलेगा उस समय मेंस की तैयारी कर लेना। हो सकता है भगवान ने आपकी किस्मत में एक जॉब लिखी हो, क्योंकि मेंस की तैयारी के लिए आपको समय मिलेगा और आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स के बेसिस पर नहीं होगा, मेंस के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बैच को परचेज करके पढ़ना शुरू कर देते हो। अगर आपको आपका मन नहीं है, अगर आपका विश्वास मेरे ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है, तो मैं कतई आपसे कहूँगा कि कतई बैच ना लो, पूरी रिसर्च कर लो, सब कुछ पूरा इंटरनेट आप छान लो, जब आपको लगे कि सबसे बेस्ट बैच आपको दे रहा हूं तब आपको बैच लेना है, कोई जोर जबरदस्ती आपको बैच नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बढ़िया कंटेंट आपको कोई दे नहीं सकता है, इसी से ही एग्जाम निकलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।